गाइस वेलकम बैक, स्वागत है सभी के एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। तो हम अभी भी मॉल में हैं जहाँ पिछला व्लॉग एंड किया था, वहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए मैं अपने न्यू अटायर और खाली शूज़ सेम, बाकी सब कुछ चेंज, और नीतू भी रेडी हो गई है। अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिनर और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। हम लोग डिनर करने जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और वहाँ से फिर डिनर करके घर जाएंगे। और घर पर अभी धीरे से मैं आपको बोलता हूँ, नीतू के लिए सरप्राइज़ है। और वहाँ जाके फिर जो भी होगा सेलिब्रेशन वगैरह, वहाँ से मैं मॉर्निंग में फिर मेरे यहाँ से फ्लाइट है कलकत्ता को, और कल मम्मी पापा का एनिवर्सरी, हम दोनों का साथ में ही है मेरा और मम्मी पापा का एनिवर्सरी। तो यहाँ से सेलिब्रेट करके रात को सब सेलिब्रेट करके फिर सुबह मैं निकल जाऊँगा कलकत्ता के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू डे टू। कल जहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया था वहीं से मतलब अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आया और एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैप्टिक था, क्योंकि इंडिगो की फ़्लाइट थी और मेरे ख्याल से हैदराबाद से इंडिगो की बहुत सारी फ़्लाइटें हैं। 8 से 10 काउंटर ऑपरेट हो रहे थे, पर फिर भी इतना मतलब अगर आप 2-3 घंटे पहले नहीं आओ श्योर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और अभी मैं बैठा हूँ गेट पर, कॉफ़ी वगैरह पिया मतलब बरिश्ता का, और फ्लाइट में बोर्ड करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। अभी जा रहे हैं कलकत्ता बैक टू होम। सिंगर खड़े कैलाश खैर जो कि है यहाँ पे, ये देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी मेरे, और ये बोर्ड कर रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए कलकत्ता, लैंड हो गए, और अभी मैं अपना लगेज कलेक्ट करने जा रहा हूँ जो बेल्ट पे बोला है वहाँ पे, और फिर चलते हैं घर। बाय। 2000 years later। तो गाइस मैं पहुंच गया घर और अभी अंदर चलते हैं घर के वहाँ, तो मैक का रिएक्शन देखते हैं कितना खुश होता है वहाँ। चलिए तो गाइस अभी शाम के बज रहे 7:30 और मैं आ गया था घर कुछ 4:45, फिर थोड़ी देर बैठा वीडियो वगैरह, एक वीडियो जो एडिट किया वो कल अपलोड भी करना है, और अभी मैं हो गया हूँ बात करके रेडी। और अभी मैं, सोनू, मम्मी पापा जा रहे हैं डिनर के लिए, और देखते कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे वो भी फिक्स करना है। पहले मैं और सोनू जाके केक लेके आते 7:30 से, तो चलिए केक लेके आते हैं और वहीं पे कट करेंगे और फिर डिनर करते और जो भी होगा आपको आके दिखाते हैं। मम्मी भी आज रेडी हो गई है और पापा भी ऑफिस में ही है, तो वहां से पापा को पिक कर लेंगे और फिर वहां से पापा को लेके चलेंगे आगे रेस्टोरेंट में। चलिए You deserve better than me।